नमस्कार, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे। अब तक ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे शनि बनाए जनी। सो जनी ये क्या शब्द है भाई? जनी जन से जनी। सो क्या सी दिस इज एक्चुअली फैक्ट। क्या अब तक हम लोग सुने शनि बनाए ज्ञानी, शनि बनाए धनी, शनि बनाए मानी, शनि बनाए ध्यानी, शनि देव ये सब बनाते हैं। देख रहा हूँ, देखते देखते आ रहा हूँ, इतना साल का एस्ट्रोलॉजी का ऊपर रिसर्च एंड एक्सपीरियंस, तो ये देख रहा हूँ। और ये इम्पोर्टेंट है कि शनि बनाए जनी। देखिए, तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति, जन शक्ति, जन शक्ति, जो भी आपके पास नौकर चाकर कामगार हैं, ये भी शनि का दिन है। और जब साढ़े साती महादशा आता है तो ये सब ले जाते हैं, ये भी शनि बाबा का दिन है। जनहीन हो गए और जनपूर्ण हो गए, ये कराने वाला कौन? शनि बाबा। तो एक समय आता है, मैं जो लोग आपके पास जो कुछ था आपके पास, धन जन गोप लक्ष्मी, धन जन जनी जन था, ये सारे था, शनि का पावर आ गया, ये सारे आपसे दूर हट गए। और वो क्या राजा, विश्वामित्र या क्या राजा था, भूल गया, ऋषिकेशन, और वो जाके वहाँ काम करने लगे श्मशान में, है ना। तो कुछ नहीं रहा, सब खत्म। और फिर जब आया तो उनको सब मिल गया, यही खेल है। तो शनिदेव जैसे जैसे गति करते हैं ना, अभी जैसे मकर राशि में स्वगृही होके गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्यों ज्यों वो नवांसम बढ़ने लगता है और उनका बकरी हुए, फिर मार्गी हो रहे हैं, फिर अतिचारी होंगे, फिर शनि मकर से कुंभ में जाएंगे। तो ये मेरा विगत 30 साल का स्टडी है, अगला 90 से लेके अभी 2021 90-91 में थे मकर में। तो मेरा पूरा डायरी का स्टडी लाइन बाई लाइन निकाला कि शनि बाबा किस घर में जाते हैं ढाई साल में, और वहाँ क्या मिला, कौन लोग आए, कौन कट गए, कौन चले। देखिए, आप बचपन से क्लास वन से 5 तक पढ़े, फिर प्लस 7, 8, फिर मैट्रिक, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर नौकरी। तो जो जो आपके जीवन पे लोग थे, व्यक्ति थे, जन थे, जन फ्रेंड्स, इट मे योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, को फ्रेंड्स, बेसिक फ्रेंड्स, हाई फ्रेंड, डिस्टेंस फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, अब देखियो क्या ये लोग आपके साथ आज भी हैं। ऐसे भी हैं जिनके पास आज बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। एक समय था जो आपको लेके आप उन आपको लेके इलेक्शन, मेरा एक दोस्त था गुजिया और मेरे को इलेक्शन जिताया था, लेकिन आज वो शायद 5 साल, 7 साल, 10 साल में एक बार भी नहीं मिले हम। तो बहुत सीवियर फ्रेंड हुआ गुजिया और मेरे कॉलेज लाइफ में, और उस समय मेरे सारे ओपोनेंट्स का गाड़ी था, मेरा नहीं था, मैं साइकिल में ही आता था या चल के, लेकिन उसका गाड़ी था और उसी के गाड़ी हीरो पुक गाड़ी था उस समय, हीरो पुक पतला वाला, और उसके गाड़ी में मैं बैठा और वो मेरा कृष्ण बन के मेरे को कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्शन जिताया था, हीरो पुक गाड़ी। आज नहीं है, मतलब जिंदा है लेकिन वी आर नॉट नाउ वेरी क्लोज, गायब। वो जन्म मिला और हट गए। तो उस समय शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे थे। तो ये इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि शनिदेव जब मीन में पहुंचेंगे तो फिर मैं कहीं इलेक्शन में लड़ता रहूंगा, तो होगा, मेरा कुंडली में लिख दिया मेरे गुरु ने, अलग बात है, लेकिन फिर एक मौका। ये क्या कह रहा हूं, गोचर के अनुसार स्पेशली मैं ये मार्क बहुत बढ़िया से स्टडी करते करते आ रहा हूँ। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसे गायब भी होते हैं कि आप ढूंढो तो नहीं मिलते। और
फिर नया लोग जीवन पे आना चालू हो जाते हैं। और इसका उपक्रम शनिदेव जब धनु को छोड़ के मकर में घुसते हैं तो चालू हो जाता है। अभी जो भी मकर राशि वाले होंगे वो अभी देख रहे होंगे, और मेरा ये आप जो कुंभ वाले अभी आसपास हो, अगर कुंभ वाले मेरा देख रहे होंगे और देखोगे तो, और 6 महीना इंतज़ार कर जाओ, अप्रैल 22-29 के बाद बाद देखना, नया लोग आपके जीवन पे आना चालू हो जाएंगे एज योर केयर टेकर, एज योर फ्रेंड, एज योर सपोर्ट, एज योर सबॉर्डिनेट, एज योर क्लोज फ्रेंड। लिख लो, गारंटी, हैवी प्रेडिक्शन, कोई काट नहीं सकता। और उनका कुंभ राशि में जब शनिदेव घुसेंगे और अगला 1.5-2 साल तक ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। और कुंभ वाले मैं आप लोगों को कहूँ, आपका जो भी पुराने थे, जो आपको कष्ट दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, धोखा दे रहे थे, आस्तीन का सांप बन के आपको ही डसने के लिए बैठे थे, और वो सारे कट फिट के कहाँ फिकाएंगे आपको, ज़िंदगी में दोबारा दिखाई भी नहीं देंगे, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे। आपके जो भी हैं, वो नौकर से ले कर फ्रेंड से ले कर ऊपर तक, इट इज़ ट्रू। यहाँ तो जन्म क्या हुआ, बाप भी नहीं रहता साथ में, बाकी का क्या बात करना, संसार है ना, हिस्ट्री के अभी जिंदा है कल मरेंगे, इसको किसी को नहीं पता, सही बात है। लेकिन ये मेरा विषय है, शनि बनाए जनी, आप देखना मेरे जीवन पे एक फ्रेंड, एक आदमी से आके 188 तक आ गए हैं। कांटा ज्यों 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 चला, और शनिदेव जब मेरे से अष्टम होके नवम होके दसम और एकादश में आए, 188 था, 188, यही चमत्कार है। और शुरू एक से होता है नया, और उस नया को एक्सेप्ट करने के लिए शनि बाबा यही सिखाते हैं, ध्यानी करके शनि बाबा यही सिखाते हैं, मानी बना के, मान बढ़ा के कि आगे की ओर देखो। और जो व्यक्ति आगे आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि मैं कुछ जिनकी मेरे क्लाइंट हैं या मेरे जो जातक जिनका मैं देखता हूँ, उनमें से बहुत सारे ऐसे जो कोई लड़की से कष्ट पाया है, धोखा खाया या और कुछ बोला, और ज़िंदगी में लड़की नहीं, वो अकेले काम करेंगे ये वो, मैं बोला तू मर जाएगा फिर भी बिना लड़की का नहीं कर सकता, धरती में कहाँ जाएगा, तेरा माँ भी लड़की, तेरा बहन लड़की, तेरा बेटी लड़की, कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं बोला क्योंकि 10th में शुक्र बैठा है तो तेरा कर्म क्षेत्र में शुक्र बैठा है, तो बिना लड़की का तो काम होगा ही नहीं, तुम कितना भी हटाओ, तुम 1000 JCP लगा के भी हटा दो फिर भी आ जाएंगे। है एक चीज़ है कि यू मेक राइट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में रहोगे कुछ नहीं होगा, बिना डिस्टेंस में आगे कूदोगे, सबको अपना समझ लोगे, एकाकार करने लग जाओगे और सबको विश्वास करेंगे बोलोगे तो धोखा खाओगे स्वाभाविक। विश्वास क्या बोल के धोखा मिलता है ना, नहीं करते तो धोखा कहाँ से मिलता, गलती तुम्हारा है ना, क्यों विश्वास किया। तो उनको अभी समझ में आ रहा है बात, और देख रहे हैं कि हाँ नया व्यक्ति अभी वर्क फील्ड पे आना चालू हो चुका। मेरा प्रेडिक्शन था वो, खुश कुंभ वाले को मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, तैयार हो जाओ। और मीन वालों को भी अप्रैल से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अप्रैल आते आते मीन वालों का ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सच कहूँ 6 महीना, बड़ा प्लानेट जब भी 7.5 का मोमेंट होने लगता है 6 महीना पहले से शनि बाबा इफेक्ट देना चालू कर देते हैं। तो अभी जितने सारे मेरे, मैं मीन राशि वालों को प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, हालांकि यूट्यूब में और बाकी सारे बोल रहे हैं कि मीन वाले बढ़िया हैं, एकादश में शनि चल रहे हैं और बम बम कैलाशी घटघट के वासी, बोला खाक घटघट के वासी, मीन वाले अभी बीमार, इसका दना निप्राण पीड़ा चल रहा है, शुरू हो चुका है, उपक्रम है। और अभी मार्गी हुए तो फिर सीधा फोर्स सीधा मीन राशि के ऊपर जा रहा है शनि बाबा मकर से, 1-2-3 काउंट हो रहा है, 1-2-3 तैयार हो जा बेटा, ठीक है। तो उनका भी वही जो कुंभ राशि वालों का 2 साल पहले हुआ था, अब मीन वालों का वही होने वाला है।
और इसीलिए मीन राशि लग्न वालों का नहीं कह रहा हूँ, डोंट वरी, फिर उल्टा नहीं समझना, लग्न वालों को बोल रहा है ना, राशि वालों को कह रहा हूँ, साढ़े साथी बेस्ड ऑन लव। हालांकि क्लासिकल टेक्स्ट में साढ़े साथी बोल के कुछ नहीं है, साढ़े साथी का कोई मान्यता नहीं है, नहीं तो है, लेकिन एक बेसिक पॉइंट क्या है, जब भी कोई बड़ा प्लानेट आपके राशि से लग्न से मूव ऑन करता है, पास ऑन करता है, क्रॉस ओवर करता है, तो आपका लाइफ को हिला के रख देता है, ठीक है, करता है। अच्छा, वो शनि जहाँ हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि से ये जो बाकी सर्कट और धड़ वाला, ये दोनों का भी प्लेसमेंट देखना पड़ता है। अब पूछिए, शनि बाबा वहाँ चल रहे हैं और दोनों में से कोई एक वो सरकट्टा हो या धड़कट्टा हो आगे, फिर तो और मुश्किल हो जाता है। दिस इज एक्चुअली कितना डिस्टेंस है और फिर उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो अभी स्वाभाविक बात है, मीन राशि वाले अगला इधर शनिदेव आएंगे और उधर से सर वाला आके उधर बैठेगा और दोनों को बीच में डेढ़ साल तक नियर अबाउट सब बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखेंगे, पाप कर्तरी में फंसाएंगे। तो जनी जन लेंगे और कुछ को जन देंगे, तो लोग आएंगे जिंदगी में, आना चालू हो गए, तो शनि बाबा बनाते हैं जनी, बहुत सारे जनों को देने वाला, क्यों, शनिदेव भी एक प्लानेट है जो जनता के प्लानेट हैं, लोग को, लोगों का जो कारक है वो शनि बाबा है, साधारण जनता माने शनि, तो वो देना और लेना उनका काम है। तो इस वीडियो का लक्ष्य यही था, ये बेसिक है, शनि बाबा बनाते हैं जनी। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नमस्कार।